कुसर्क में हारे यूक्रेन, यूक्रेन के रक्षा मंत्री और मिलिट्री खुफिया प्रमुख बर्खास्त। वाकई में राष्ट्रपति पुतिन का रूस यूक्रेनी सेना को रगड़ रगड़ कर मार रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि नेटो के 32 देश राष्ट्रपति जेलेंस्की को अभी भी भरोसा दिला रहे हैं कि यूक्रेन रूस से जंग जीत लेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम पिछले 8 हफ्तों की जंग की जमीनी हकीकत देखें तो ना तो रूस कुसर्क में हार रहा है और ना ही यूक्रेनी सेना प्रोक्रस्क में रूसी सेना का मुकाबला कर पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि 6 अगस्त 2024 से राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने रक्षा मंत्री और सैन्य खुफिया प्रमुख के कहने पर जो हमले रूसी इलाके में शुरू किए थे, उन इलाकों से यूक्रेनी सेना भाग खड़ी हुई है। यहां तक कि नेटो के भाड़े के लड़ाके भी रूसी सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं। हारते हांफते यूक्रेनी सैनिकों की शर्मनाक हार देखकर जेलेंस्की इतने ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री और यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ को बर्खास्त करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेनी मीडिया स्ट्राना न्यूज का बड़ा खुलासा इस खबर को छापकर नेटो के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हारते जेलेंस्की ने युद्ध में यूक्रेन के 2 टॉप चेहरों पर गाज गिराने का फैसला कर लिया है। भयंकर गुस्से में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना पहला शिकार यूक्रेन के रक्षा मंत्री 41 साल के रुस्तम ओमेरोव को बनाने का फैसला लिया है, जबकि हारते यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शिकार यूक्रेन के 38 साल के टॉप सैन्य खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव को बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया था कि वो रूसी सेना को पूर्वी यूक्रेन में तबाह कर डालेंगे। लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्री और सैन्य खुफिया प्रमुख पुतिन के जंगी पैतरों के सामने अनाड़ी साबित हुए हैं। Наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооруженных сил. Совершенствуется военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи наших границ. नेटो को निगल रहे पुतिन, भगोड़ी निकली यूक्रेनी सेना। हम आपको आगे बताएंगे कि रूस के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव और यूक्रेन के टॉप सैन्य खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव यूक्रेन और नेटो सैनिकों के लिए कैसे भस्मासुर साबित हुए हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, लगभग 950 दिन से चली आ रही जंग में रूसी सेना कहां कहां यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़े दावे किए गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त का दावा किया गया है। रूसी सेना का दावा है कि उसने कुसर्क में 118 मोर्चों से यूक्रेनी सेना को भगा दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी टैंक, तोप और भारी हथियारों को छोड़कर मोर्चे से भाग गई है। रूसी सेना ने सिर्फ 8 घंटे की जंग में अकेले कुसर्क में ही यूक्रेनी सेना के 370 जवानों को मार डाला है। 6 अगस्त 2024 से अब तक कुसर्क में यूक्रेन के 25,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सेना का ये भी दावा है कि उसने यूक्रेन के फाइटर जेट SU-27 MiG-29 को भी मार गिराया है। हम आपको बता दें, यूक्रेन के पास रूस निर्मित SU-27 MiG-29 फाइटर जेट हैं, जिनसे वो रूस पर ही हमला कर रहा है। इसके अलावा रूस ने अपनी घातक इस्किंदर मिसाइल से यूक्रेन के ओदेसा को तबाह करके रख दिया है। दावा किया गया है कि इस्किंदर के हमले में यूक्रेन के 18 सैन्य ठिकाने और हथियारों के गोदाम तबाह हुए हैं। इसने यूक्रेन के खार्किव में रूस ने प्रचंड हमला एक इमारत पर किया है। यूक्रेन का दावा है, रूस ने खार्किव में जिस इमारत पर हमला किया था, उसमें रूसी सेना ने गाइडेड हवाई बम FAB-250 का इस्तेमाल किया है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन को अभी तक नेटो की लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं मिली है।
लेकिन उसके बावजूद यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय लगातार दावे कर रहा है कि उसने 2.5 साल से ज्यादा की जंग में रूस के 4,40,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। नेटो के दम पर जीत का प्रोपेगेंडा करने वाले जेलेंस्की को जरा भी एहसास नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन ना तो यूक्रेन को कुछ समझ रहे हैं और ना ही वो नेटो की सैन्य ताकत से डर रहे हैं। महज एक हफ्ते के अंदर ही पुतिन के बेहद करीबी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो को साफ धमकी दी है कि सुधर जाओ वरना रूस के परमाणु हमलों से तबाह हो जाओगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्काई न्यूज अरेबिया को दिए गए इंटरव्यू में यूक्रेन और नेटो देशों को सीधी परमाणु धमकी दी है। लावरोव ने दो टूक कहा, कोई भी परमाणु युद्ध नहीं चाहता, अगर कोई चाहता है तो वो ये जान ले रूस के परमाणु हथियार पूर्ण युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। लावरोव ने दो टूक कहा है, लाल रेखा को अगर कोई पार करता है तो हम लाल बटन दबाने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम आपको पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाने जा रहे हैं जिसके खौफ से जेलेंस्की का खून सूखना शुरू हो गया है, क्योंकि रूसी सूत्रों का दावा है कि रूस यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी FOAB से सबसे विनाशक हमला करने जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बयानों से इसका इशारा सामने आ गया है। ये स्पष्ट है अभी तक रूस ने बहुत ही संयम बरता है, लेकिन अब रूस की परमाणु प्रतिक्रिया बहुत बड़ी है। ये फैसला काफी जटिल है जिसे बदला नहीं जा सकता। कई अहंकारी मंदबुद्धि वाले देश हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रूस के धैर्य की परीक्षा लंबे वक्त तक नहीं ली जा